रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, टुडे इज़ आवर कंप्यूटर क्लास वीडियो फॉर जुलाई। ओपन योर बुक्स, दिस इज़ योर बुक कंटेंट फॉर द मंथ ऑफ जुलाई ओनली। चैप्टर नंबर 3 माउस इंक्लूडेड इन योर कोर्स, सो ओपन पेज नंबर 15। ओके, दिस इज़ योर चैप्टर नंबर 3 माउस। चैप्टर आउटलाइन क्या है इसमें, इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे? माउस पैड, एरो एंड इट्स मूवमेंट, पॉइंटिंग, सिंगल क्लिक, ड्रैग एंड ड्रॉप, ये सब कुछ हम सीखेंगे और पढ़ेंगे भी। ओके, दिस इज टिम, ये जो बच्चा है कहते हैं दिस इज टिम, ही वर्क्स ऑन अ कंप्यूटर, ऑन द कंप्यूटर डेली, ये डेली कंप्यूटर में काम करता है। ही नोज हाउ टू होल्ड द माउस, और वो जानता है कि माउस को कैसे पकड़ते हैं। ओके, विच इज द राइट वे टू होल्ड द माउस, पुट अ क्लिक मार्क ऑन द राइट पिक्चर। चैप्टर है हमारा माउस का, तो सबसे पहले हम माउस को देखते हैं। ये कंप्यूटर माउस है, इस जब ये कंप्यूटर से कनेक्ट होता है तो यहाँ पे एक लाइट लगती है, और उसके बाद इसमें देखें किसी किसी माउस में थ्री बटन्स होते हैं और किसी में टू। तो इसमें देखिए, इसमें टू बटन्स हैं, एक है लेफ्ट, एक है ये लेफ्ट है और ये राइट है, और ये इसकी स्क्रॉलिंग व्हील है जो हमें पेजेस को ऊपर नीचे, किसी भी चीज़ को ऊपर नीचे करने में हेल्प करता है। ये राइट क्लिक है और ये लेफ्ट क्लिक, डबल क्लिकिंग और सिंगल क्लिकिंग ये हम लेफ्ट क्लिकिंग से करते हैं। जो लेफ्ट माउस बटन होता है ना, इससे हम अपनी किसी चीज़ को अगर खोलना है तो उसमें हम डबल क्लिक करते हैं, सिंगल क्लिक करते हैं। तो ये माउस, और माउस को मूव करने का अपना एक तरीका होता है, अपने हाथ को ऐसे पकड़ना होता है, एक उंगली लेफ्ट बटन के ऊपर रखनी होती है और एक राइट के ऊपर, और फिर इससे क्लिक कर सकते हैं और ऐसे मूव कर सकते हैं, सही। और इसकी एक लॉन्ग वायर भी होती है, देखें जैसे आप लोग को यहाँ दिख रहा है, ये इसकी लॉन्ग वायर है जो कंप्यूटर से कनेक्ट होती है। अच्छा, यहाँ पे एक एक्सरसाइज दी हुई है कि पुट टिक मार्क ऑन द राइट पिक्चर, उस पिक्चर को क्लिक करें, टिक लगाएं उस पर जिसने, जिस बच्चे ने माउस सही पकड़ा हो। तो क्या इस बच्चे ने माउस को सही पकड़ा है? ए में इसने इसको तार से पकड़ा है, सही नहीं पकड़ा ना। क्या इस बच्चे ने सही पकड़ा है? उसने ऐसे पकड़ा है, देखें ऐसे पकड़ा है, ऐसे पकड़ते हैं माउस को। जब तक हम बटन को क्लिक नहीं करेंगे तो बटन के ऊपर हाथ नहीं रखेंगे तो ये तो सही नहीं है, तो ये भी नहीं है। क्या इस बच्चे ने सही पकड़ा है? नहीं। डी वाले ने सही पकड़ा है? यस, डी वाले ने सही पकड़ा है। डी वाले का ये वाला देखें, ये वाली उंगली माउस के ऊपर है, सही। तो टिक हमने किस पे लगाना है? डी पे। ओके, नाउ कम टू पेज नंबर के आउटलाइन में हमने सबसे पहले पढ़ा था कि हम माउस पैड के बारे में पढ़ेंगे। माउस पैड वो होता है जो हम माउस के नीचे एक फॉर्म की तरह एक चीज़ होती है, रुमाल की तरह, तो वो हम उसके नीचे रखते हैं। इसके रखने से हमारा माउस अच्छे से मूव करता है और उसमें कोई, और माउस उससे ख़राब भी नहीं होती। ओके, माउस पैड, द माउस पैड सिट्स ऑन अ थिन रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट दैट लुक्स लाइक अ राइटिंग पैड। ये एक रेक्टेंगल में होता है, मतलब लंबाई थोड़ा सा लंबा होता है, स्क्वायर तो होता है लेकिन रेक्टेंगल शेप में होता है, ज़रा लंबा होता है। और ये माउस के ऊपर हम माउस को रखते हैं और ये लगता है एक ऐसे, इसे ऐसे लगता है जैसे एक राइटिंग पैड है, जैसे हमारे पास एक पैड है जिसमें हम राइट करते हैं कुछ ना कुछ। ओके, इट इज़ कॉल्ड माउस पैड, ये हमारे पास माउस पैड है। अ राइटिंग पैड इज़ यूज फॉर राइटिंग लेटर्स, माउस राइटिंग पैड जो है ना वो हम कुछ भी लिखने के लिए यूज़ करते हैं। अब आता है माउस के बाद, उस माउस पैड के बाद आता है एरो। कंप्यूटर, जब हम माउस को कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं तो हमें स्क्रीन में माउस एक एरो की शेप में नज़र आता है ना, जैसे कि आप लोग की बुक में यहाँ बना हुआ है, इस शेप में नज़र आता है। दिस इज़ एन एरो, इट इज़ लॉन्ग एंड शार्प, ये ऐसे लंबा है और इसका जो, इसकी जो नोक है ये बहुत शार्प है। इधर देखें, इधर आप लोग को कंप्यूटर बना के उसको, उसमें बताया भी हुआ है कि जैसे कि ये माउस सीपीयू से कनेक्ट हुआ तो ये हमें मॉनिटर की स्क्रीन में ऐसे नज़र आया। दिस इज़ कंप्यूटर एरो, यू कैन सी इट ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन, इसको हम कंप्यूटर एरो भी बोलते हैं जो हमें मॉनिटर की स्क्रीन में दिखाई देता है। आर बोथ द एरो सिमिलर, से येस और नो, क्या ये एरो और ये एरो एक जैसे हैं?
सो हमारा आंसर होगा यस, क्योंकि कंप्यूटर में एक ही कंप्यूटर एरो होती है। अब आते हैं माउस एंड एरो मूवमेंट। अब माउस और एरो मूवमेंट कैसे होती है, माउस में एरो मूव कैसे करता है। द एरो ऑफ द कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू द माउस। कंप्यूटर का जो एरो होता है वो माउस से कनेक्ट होता है। व्हेन यू मूव द माउस, जब आप लोग माउस को मूव करते हैं द एरो ऑल्सो मूव्स विद इट, तो वो जो एरो है वो भी माउस के साथ मूव करता है। दिस इज जॉन, ये देखिए जॉन है, ही इज वर्किंग ऑन अ कंप्यूटर, ही इज यूजिंग द माउस, ही मूव्स द माउस अप, द एरो ऑल्सो गोज अप। जब वो माउस को ऊपर की तरफ मूव करता है तो जो एरो है वो भी मॉनिटर की स्क्रीन में ऊपर की तरफ होना शो होता है। ही मूव्स द माउस डाउन, जब वो माउस को नीचे की तरफ करता है द एरो ऑल्सो कम्स डाउन, तो वो जो एरो कंप्यूटर एरो जो है जो मॉनिटर की स्क्रीन में नजर आ रही होती है वो भी नीचे की तरफ शो होती है। नाउ कम टू पेज नंबर 17, मूव एरो ऑन स्क्रीन। मॉनिटर की स्क्रीन में हम एरो को मूव कैसे करते हैं। कैन जॉन मूव द एरो लेफ्ट एंड राइट, क्या जॉन ने एरो को लेफ्ट और राइट मूव किया। यू कैन डू अ नंबर ऑफ थिंग्स विद द माउस। तो जॉन ने लेफ्ट और राइट मूव नहीं किया, उसने अप एंड डाउन किया। और हम माउस से बहुत कुछ कर सकते हैं मॉनिटर की स्क्रीन में, जैसे कि कोई फोल्डर खोलें, कोई पिक्चर, माउस के थ्रू हम सब कुछ स्क्रीन में करते हैं। अब आता है पॉइंटिंग, किसी चीज को एरो से कैसे सेलेक्ट करते हैं। दिस इज जेनी, शी इज पॉइंटिंग टू एन एप्पल। मतलब ये है कि पॉइंटिंग का ये मतलब है कि हम उस चीज की तरफ ऐसे इशारा करते हैं। तो जेनी क्या कर रही है, जेनी इस एप्पल की तरफ पॉइंट कर रही है, मतलब इशारा दे रही है। पॉइंटिंग मीन्स टू शो समथिंग, मतलब कुछ दिखाना। वी कैन पॉइंट टू डिफरेंट थिंग्स, हम बहुत सारी चीज़ों को पॉइंट करते हैं। वी यूज़ आवर फिंगर्स टू पॉइंट टू थिंग्स, हम अपनी फिंगर को यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को। जब हम किसी को कुछ दिखाते हैं तो अपनी फिंगर से दिखाते हैं ना, तो हम अपने फिंगर को यूज़ करते हैं किसी को कोई चीज़ दिखाने के लिए। कैन यू पॉइंट टूवर्ड्स द कीबोर्ड, जैसे कि आप लोग कीबोर्ड की तरफ पॉइंट कर सकते हैं, मतलब उंगली करके उसको दिखा सकते हैं। इसी तरह यू कैन पॉइंट टू थिंग्स ऑन द कंप्यूटर आल्सो, इसी तरह आप कंप्यूटर में भी चीज़ों को पॉइंट कर सकते हैं। द कंप्यूटर यूजेस द माउस एरो टू पॉइंट टू थिंग्स, जो कंप्यूटर में हम कंप्यूटर एरो के जरिए माउस एरो के जरिए हम चीज़ों को पॉइंट करते हैं। द एरो इज पॉइंटिंग टू द बॉल, जैसे कि इस इधर देख रहे हैं आप लोग, ये जो माउस एरो है वो बॉल को पॉइंट कर रहा है, मतलब दिखा रहा है कि दिस इज बॉल। अब सिंगल क्लिक पे आते हैं कि सिंगल क्लिक क्या है। व्हेन वी पुश द टीवी बटन यू हेयर साउंड क्लिक, जब आप लोग टीवी का बटन लगाते हैं तो आप लोग को एक आवाज आती है क्लिक की। व्हेन यू प्रेस द माउस बटन, जब आप लोग माउस बटन को प्रेस करते हैं इट ऑल्सो मेक अ क्लिक साउंड, तो वो भी क्लिक की आवाज आती है उससे। जैसे कि अभी मैं आप लोगों को, जैसे कि ये देखें क्लिक की आवाज आई कि नहीं आप लोगों को। ओके, ऐसे ही इससे आवाज आती है। क्लिकिंग ऑन माउस बटन इज ऑल्सो कॉल्ड सिंगल क्लिक, जब हम एक क्लिक करते हैं तो ये सिंगल क्लिक होता है। दिस इज हैरी, ये हैरी है, ही इज यूजिंग अ कंप्यूटर, लुक एट द बल्ब ऑन द स्क्रीन। अब ये कंप्यूटर को यूज कर रहा है और ये मॉनिटर की स्क्रीन में देखिए एक बल्ब बनी हुई है। हैरी पॉइंट द बल्ब, हैरी ने बल्ब को पॉइंट किया, ही क्लिक ऑन द बल्ब, तो वो बल्ब को क्लिक कर। नाउ कम टू पेज नंबर 18, इट मेक्स अ क्लिक साउंड द बल्ब लाइट्स, जब वो उसने बल्ब के ऊपर क्लिक किया तो क्लिक की आवाज आई और माउस जो बल्ब है उसमें लाइट लग गई। अब आते हैं हमारा न्यू टॉपिक है ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग। ड्रैगिंग और ड्रॉप एंड ड्रैपिंग ड्रॉपिंग क्या है, जो हम माउस के थ्रू करते हैं, ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग। ओके, ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग को समझने के लिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि ड्रैगिंग क्या है एंड ड्रॉपिंग क्या है। दिस इज एडवर्ड, ये एडवर्ड है, ही इज पुलिंग द टॉय ट्रेन विद द थ्रेड अटैच टू इट, वो क्या कर रहा है, उसके पास एक टॉय है ट्रेन वाली, उसको खींच रहा है
धागा उसने उसमें बांधा हुआ है और उसको खींच रहा है। तो ये इसका पुलिंग को वो जो खींच रहा है, ही इज ड्रैगिंग द टॉय ट्रेन। तो क्या कर रहा है, ड्रैगिंग कर रहा है, खींच रहा है ना अपनी तरफ। अब है वो खींचने को कहते हैं ड्रैगिंग, ओके। अब है एडवर्ड, एडवर्ड हैज लेफ्ट द थ्रेड अटैच टू द ट्रेन। अब एडवर्ड ने क्या किया, जो ट्रेन के साथ जो थ्रेड, जो धागा अटैच था, उसको उसने छोड़ दिया। ही हैज ड्रॉप द ट्रेन। तो उसने क्या किया, उसने ट्रेन को ड्रॉप कर दिया, मतलब छोड़ दिया। अब आता है स्टेप ऑफ ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग। माउस के थ्रू हम ड्रैगिंग और ड्रॉपिंग कैसे करते हैं, स्टेप वाइज। मारिया इज यूजिंग अ कंप्यूटर, दिस इज मारिया। व्हाट डू यू सी ऑन द स्क्रीन। आप लोग को स्क्रीन में क्या नजर आ रहा है, ईंटें नजर आ रही है, कुछ ईंटें दीवारों में और कुछ नीचे पड़ी हुई है, सही। देयर आर सम ब्रिक्स लाइंग, जो नीचे पड़ी हुई है जमीन पे, जमीन पे नहीं मतलब स्क्रीन पड़ी हुई है। हाउ मेनी ब्रिक्स आर देयर, कितनी ब्रिक्स हैं, 1, 2, 3 एंड 4। कितनी ब्रिक्स हैं इधर, 4 ब्रिक्स हैं। अब क्या हो रहा है, अब ये क्या करती है, ब्रिक्स तो इधर देखें, इधर ब्रिक्स कुछ लगी हुई है और कुछ नीचे पड़ी हुई है। अब वो क्या कर रही है, देयर आर 4 ब्रिक्स लाइंग, नीचे कितनी ब्रिक्स पड़ी हुई है, 4। शी वॉन्ट्स टू कम्प्लीट अ वॉल, अब वो चाहती है कि वो इस जो दीवार बनी हुई है उस दीवार को पूरा करे। हाउ विल शी डू इट, वो कैसे करेगी ये। दीज आर द स्टेप्स टू कम्प्लीट द वॉल, अब वो हम वो स्टेप बताते हैं जिससे वो इस दीवार को मुकम्मल करेगी। नंबर वन स्टेप क्या है, मारिया क्लिक ऑन अ ब्रिक, वो अब वो इनमें से एक ब्रिक पे क्लिक करेगी। फिर क्या करेगी, शी होल्ड्स डाउन द माउस बटन, वो माउस बटन को ऐसे क्लिक रखेगी ऐसे, और ऐसे करके उस दूसरे उसके साथ अटैच करेगी, दूसरे ब्रेक के साथ। और फिर उसको वहाँ जहाज पे उसने रखना होगा, वहाँ पे पहुँचने के बाद वो माउस बटन को छोड़ देगी। शी ड्रैग्स द ब्रेक, जब वो उस ब्रेक को वहाँ तक पहुँचा के छोड़ देगी, शी ड्रॉप्स द ब्रेक ऑन द वॉल, फिर वो उस ब्रेक को उस वॉल पे ड्रॉप कर देगी। ऑन वन बाय वन शी ड्रॉप्स ऑल द ब्रिक्स ऑन द वॉल, और इसी तरह एक एक करके वो ऐसे ब्रिक्स पकड़ती जाएगी और ऐसे ऐसे वॉल पे ड्रॉप करती जाएगी। अंडरस्टैंड, नाउ वी कैन ड्रैग एंड ड्रॉप थिंग्स ऑन अ कंप्यूटर, इसी तरह हम कंप्यूटर में ड्रैग्स एंड ड्रॉप कर सकते हैं चीज़ों को। लुक एट जैन, सैम एंड माइक, ये जैन सैम एंड माइक है, दे आर वर्किंग टुगेदर, ये इकट्ठे काम कर रहे हैं। दे आर शेयरिंग द कंप्यूटर, इन तीनों ने एक ही कंप्यूटर को आपस में एक दूसरे के साथ शेयर किया हुआ है। दे टेक देयर टर्न वन बाय वन, ये अपने एक बारी बारी कंप्यूटर के पास बैठ रहे हैं। दे सैम इज यूजिंग द कंप्यूटर फर्स्ट, सैम सबसे पहले कंप्यूटर यूज कर रहा है। जैन एंड माइक वेट फॉर देयर टर्न, जैन और माइक जो है वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। दे आर गुड स्टूडेंट्स, ये अच्छे बच्चे हैं। कलर द पिक्चर्स, इस पिक्चर को कलर करें, ओके। गुड स्टूडेंट्स वर्क इन ग्रुप, जो अच्छे बच्चे होते हैं ना वो ग्रुप में काम करते हैं, एक दूसरे को शेयर करते हैं। शेयरिंग इज केयरिंग कहते हैं ना हम, तो एक दूसरे का ख्याल रखते हैं वो। द टीचर आस्क हेलेन, टॉम एंड थॉमस टू यूज़ द कंप्यूटर, टीचर ने बाकी तीन बच्चों को एक और कंप्यूटर दिया और कहा कि इसको यूज़ करें। टॉम इज़ नॉट शेयरिंग द कंप्यूटर विद अदर्स, अब टॉम क्या कर रहा है, वो दूसरे बच्चों को कह रहा है कि मैं तुम लोग को कंप्यूटर नहीं दे रहा। टॉम इज़ नॉट अ गुड स्टूडेंट, तो वो बच्चा अच्छा नहीं होता ना जो बाकी बच्चों के साथ लड़ाई करे, उनको बारी ना दे, बस कहे कि जिद करे कि मैं ही यूज़ करूँगा, तो वो बच्चा अच्छा नहीं होता। जो बच्चा शेयरिंग करता है मतलब ग्रुप में काम करता है, तो वो बच्चे अच्छे बच्चे होते हैं, ओके। अब यहाँ पे एक आगे एक्सरसाइज है, पेज नंबर 20 में, यहाँ पे उसका क्वेश्चन है, क्रॉस द पिक्चर, नहीं ये वो इनके बारे में ही है, कहते हैं क्रॉस द पिक्चर ऑफ टॉम एंड कलर द पिक्चर ऑफ हेलेन एंड थॉमस, टॉम की पिक्चर पे क्रॉस लगाएं, मतलब इसको कलर नहीं करना क्योंकि ये बैड बॉय है, इसकी और इसकी पिक्चर को आप लोगों ने कलर करना है, अंडरस्टैंड। अब हमारा आता है वैल्यू वर्ड्स, वैल्यू वर्ड्स मैंने आप लोगों को जुलाई के टास्क में करवाया हुआ है, ये सारा उस वहाँ पे डन है, आप लोग वहाँ से कर लें। इसको एक दफ़ा हम रीड कर लेते हैं कि यहाँ पे बताया हुआ है कि वैल्यू वर्ड्स को हम की टर्म्स भी बोलते हैं। एरो, ड्रैगिंग, ड्रॉपिंग, माउस पैड एंड सिंगल क्लिक,
इनकी डेफिनेशंस हैं कि ये हैं क्या. एरो क्या है? एरो इज यूज टू पॉइंट टू थिंग्स. एरो चीजों को पॉइंट करने में हमें हेल्प करता है. ड्रैगिंग क्या है? पुलिंग समथिंग इज कॉल्ड ड्रैगिंग. किसी चीज को पुल करना, खींचना ड्रैगिंग है. ड्रॉपिंग क्या है? लिविंग समथिंग इज कॉल्ड लिविंग का मतलब ड्रॉपिंग का मतलब है किसी चीज को छोड़ देना, ड्रॉपिंग है. माउस पैड क्या है? थिन रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट है. ये एक रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट है. द माउस सिट ऑन इट, जिसपे हम जिसके ऊपर हम माउस को रखते हैं. सिंगल क्लिक क्या है? क्लिकिंग ऑन माउस बटन वंस इज कॉल्ड सिंगल क्लिक. जब हम माउस बटन को एक दफा क्लिक करते हैं तो वो सिंगल क्लिक है. बाकी एक्सरसाइज जुलाई के वर्क में डन है, वहां से अपनी बुक में इसको डन करें. यहाँ पे हमारी जुलाई का काम खत्म होता है.